तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि आज शाम जो लाइव आने वाला टाइम था, लाइव जब मैं आ रहा था 8:30 पर, तो वो क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रही थी। जैसे कि मैं कल लाइव आया था और नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत थी, इस वजह से कल का लाइव सेशन हमारा अच्छे से नहीं चल पाया। तो बहुत सारे बच्चे गुस्सा भी हो रहे थे कि सर जी से फिर बंद कर दीजिए जब लाइट ने, वो नेट नहीं तेज़ी से चल रहा, तो इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाया, इसके लिए वेरी सॉरी यार। लेकिन आज का जो टॉपिक है उस पर किसी ने मुझे फ़ोन किया था या फिर किसी ने मेल किया था, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि पैसे लगाने से क्या एग्जाम पे, अगर बोर्ड एग्जाम 2020 अगर देने वाले हैं, कुछ नहीं पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा और हम पैसे लगा दें तो क्या नंबर मिल जाएंगे, या फिर हम पढ़े हैं और मान लीजिए हमें लग रहा है कि हम 60% स्कोर कर पाएंगे, क्या पैसा लगा दें तो हमारा 70% हो जाएगा, या फिर हम ओनली पैसा लगा के 80% लगा देते हैं, क्या हमें 10 का नोट लगाना चाहिए या 20 का नोट लगाना चाहिए या 50 का नोट लगाना चाहिए या 1,000 का नोट लगाना चाहिए या 2,000 का नोट लगाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले, अरे यार 1,000 का नोट तो बंद ही हो गया है, तो 2,000 का नोट लगाना चाहिए। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि क्या पैसा लगाना सही है या गलत है, तो मेरी बात कान खोल कर सुन लेना। एक मेरी फर्स्ट बात है, ये बहुत अच्छे से सुन लो पहली बात, अगर आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखने का, जो भी 10 मिनट से नीचे ये वीडियो रहेगी, अगर आपको पूरा कंप्लीट देखने का टाइम आपके पास 8 या 10 मिनट, 7 मिनट जो भी है 5 मिनट, तो इस वीडियो को आगे तक देखिए, वरना यहीं पर आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यह जानकारी एक ऐसी है, अगर आप बीच में वीडियो स्किप कर पा जाएंगे तो आपको जानकारी गलत मिल जाएगी और आप पैसे भी गलत लगा आएंगे अगर लगाएंगे भी, और मार्क भी नहीं मिलेंगे, और मिलते हैं कि नहीं मिलते इसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं मिलेगी। तो इसलिए इसको लास्ट तक देखना। इसका आंसर तो मैं बताऊँगा हाँ है या ना, लेकिन इस पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे सस्पेंशन हैं, उन सबको सुन लीजिएगा। मेरी विनती है आपसे कि इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा। सबसे पहली बात यह है कि पहले नंबर फर्स्ट में तो आपको, अगर मेरे चैनल के व्यूअर हैं तो आपको ऐसी दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की ऐसी तैयारी पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं करवाता। सर्वप्रथम जो पूरा बांदा है, इस बांदा पर जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, इस सिटी पर, इस कोचिंग से ज़्यादा, जो कोचिंग यह है सक्सेस नॉलेज कोचिंग सेंटर, इस कोचिंग से ज़्यादा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का रिजल्ट आज तक पूरे बांदा में ना गया है और ना जाएगा, नहीं जाता, भविष्य में चला जाए तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन नहीं गया। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि मैं डायरेक्ट लगातार कोचिंग पढ़ा रहा हूँ 3 ईयर से, तो ना गया है तो कैसे नहीं जाता। बच्चे मेरे यहाँ से 97+ लेके आते हैं, 97+ लेके आते हैं, उन बच्चों से मैं जल्दी मिलाने वाला हूँ आपको, तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। तो ऐसी ट्रिक एंड टिप्स मैं बताता हूँ कि आपको वीडियो तो पूरी पूरी तरह से याद ही हो जाए, लेकिन जो भी आपका मैटर है ना वो भी याद हो जाए। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, पैसा लगाने से क्या नंबर मार्क मिलते हैं, तो हाँ दोस्तों इसका जवाब है मिलते हैं, बट हाँ तो दे दिया मैंने, लेकिन इसके पास सस्पेंशन है। नंबर फर्स्ट बात क्या है हमारी, नंबर फर्स्ट है, बहुत गौर से सुनिएगा, ये बहुत मेन बातें हैं, मिलते हैं तो हाँ ठीक है मिल जाते हैं। मेरे यहाँ जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, बजरंग इंटर कॉलेज बांदा, आप कभी भी आ सकते हैं अगर बांदा से हैं तो, बजरंग इंटर कॉलेज बांदा जैसे कि आएंगे तो मुझसे मिल पाएंगे, तो वहाँ जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, तो वो तो फिर एक दूसरी जगह हम लोग जाते थे, वहाँ एक कॉलेज पर, बजरंग की बात नहीं कर रहा, दूसरे कॉलेज पर वहाँ के एक प्रिंसिपल थे जिनकी बच्ची पढ़ने में तो बहुत ठीक ठाक थी, लेकिन उन्होंने अपनी बच्ची के पर, सुनिएगा पूरी बात, पर पेपर में 500 रुपये या 2,000 रुपये लगवाए थे, तो उसके मार्क अच्छे खासे आ गए थे, बट वो पढ़ने लिखने में कुछ खास नहीं थी। तो कैसे कैसे आए थे और कैसे कैसे रिक्वायरमेंट थे, सारी बात सुन लीजिए। सर्वप्रथम क्या है, बात ये होती है लाइव प्रूफ के साथ, मैं बता रहा हूँ, वो प्रूफ यही हो गया मेरे पास कि उनके नंबर कैसे आए। तो नंबर बात, एक नंबर में बात ये होती है कि आपका जो पैसा है, आपका जो पैसा है, आप मान लीजिए यहाँ पे पैसा लगाना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ पे कायदे से पंच किया है। दूसरी बात, आपके टीचरों ने, जो टीचर हैं, अगर उनको शक है, अगर उन टीचरों ने पैसा आपका निकाल लिया, तो फिर आपको कोई भी मार्क मिलने वाला नहीं होता है। अब मैं आपको बता दूँ, एग्जामिनर जो आपकी कॉपी को चेक करता है,
उसके पास मैं बता पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर यहीं भी छोड़ देते हैं ना तो भी आपके पास जानकारी अधूरी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ही देखिएगा। तो सबसे पहली बात यह आती है कि जैसे मान लीजिए जो एग्जामिनर होता है उसको आपको अप्रॉक्स 18 या 20 रुपये एक कापी का मिलता है, हिंदी मीडियम की कापी का। तो अब ये बताइए मुझे कि उसे एक कापी में से अगर उसे 500 मिल जाते हैं तो क्या वो इम्प्रूवमेंट कर देगा? तो बिल्कुल करेगा, लेकिन जब उसके हाथ में मिलेंगे तब करेगा। 100 में से 90% जो पैसा होता है वो कॉलेज में ही निकाल लिया जाता है, क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जाम दिला चुका हूँ प्लस में दे चुका हूँ। तो 100 में से 90 नहीं तो 70% तो अप्रॉक्स निकाल लिया जाता है, क्योंकि टीचरों को शक हो जाता है। अगर टीचरों को शक हो गया तो पैसा निकल जाता है। तो पैसा को आप बहुत ही विधिवत अगर आप लगाना चाहते हैं, आपने कुछ नहीं पढ़ा तो पैसा लगा सकते हैं। पैसा लगाने से कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता है अगर एग्जामिनर के हाथ तक पैसा पहुंच जाता है। बट अगर एग्जामिनर के हाथ में पैसा आपका नहीं पहुंचता तो कुछ होने वाला नहीं है। कुल मिला के मान लीजिए आपने पूरे एग्जाम पर 5,000 रुपये लगा दिए, कितने रुपये? 5,000 रुपये। और 5 के 5,000 रुपये आपके टीचर ने निकाल लिए जो भी आपको एग्जाम देते हैं, तो यहाँ पर एग्जामिनर को कुछ पता ही नहीं चलेगा और पैसे यहीं निकल जाएंगे। तो क्या आपको मार्क मिलेंगे? पैसे कैसे लगाते हैं सारी डिटेल बताऊँगा। तो यहाँ पर क्या आपको मार्क मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये खेल है एक। अगर आपकी लक सही है तो आपके टीचर यहाँ से पैसे नहीं निकालते या पैसे आपके नहीं गिरते तो एग्जामिनर तक पहुंच जाते हैं। अगर एग्जामिनर के हाथ में पैसे जाते हैं और एग्जामिनर भी ठीक है, अब मान लीजिए एग्जामिनर है, तो एग्जामिनर कोई कोई होता है शौक के लिए काम करता है, जैसे कि यूट्यूब पे काम करना मेरा शौक है। यूट्यूब पे मुझे कुछ अर्निंग नहीं होती, आज तक यूट्यूब से 1 रुपया नहीं कमाया। कितना? 1 रुपया नहीं कमाया। इस पर इन्वेस्ट किया है मैंने कम से कम 20,000 रुपये। कितने? 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। इसके पीछे मैंने कैमरा भी लाया, व्हाइट बोर्ड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसके लिए मैंने मेंशन करी। मैं पहले आपको व्हाइट बोर्ड पर फिजिक्स पढ़ाता था, पहले आपकी वीडियो कैमरे से बीच में शूट होती थी, फिर DSLR कैमरा था। इस लगभग मैंने अप्रॉक्स 50,000 रुपये इसके पीछे इन्वेस्ट किए, दो दो मोबाइल, एक लैपटॉप वगैरह, मतलब कि वो तो पहले से लैपटॉप वगैरह था, नहीं तो करीब करीब 50 से 70 हज़ार रुपये मैंने इस पर गंवा दिया है, लेकिन 1 रुपया मैंने आज तक कमाया नहीं इससे। तो बात ये आती है कि कोई कोई अपने शौक के लिए कापी चेक करता है। जैसे मान लीजिए आज फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर है आपका, अब वो शौक के लिए काम करता है, मतलब कॉपी चेक करना उसे बहुत अच्छा लगता है, तो वो कॉपी चेक करने जाता है। तो अगर आपकी कॉपी पे उसने पैसे देखा है तो वो हंस देगा, या फिर हो सकता है पैसे ले या फिर ना ले, या फिर मूड है उसका तो दे या फिर ना दे। अगर वो सोचेगा कि जो मान लीजिए उसका माइंड ये कह रहा है कि जो पढ़ता है, अगर उसका माइंड कह रहा है कि जो बंदा पढ़ता है ओनली उसी को मार्क मिलने चाहिए, अदरवाइज किसी को मार्क नहीं मिलने चाहिए, तो फिर वो मार्क आपको नहीं देगा। वो फिर आप चाहे 5,000 रुपये क्यों ना लगाए हो, आपको मार्क नहीं देगा वो, क्योंकि उसने वो अपनी कॉपी जो चेक करता है वो अपने शौक के लिए चेक करता है, उसे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, वह पैसे से भरपूर है, उसको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भाई क्यों आपको मार्क देगा। और हाँ, अगर एग्जामिनर मान लीजिए कोई अच्छा एग्जामिनर है, गुड सोचता है, सोच रहा है सबका भला हो जाए, सब कोई पास हो जाए, और उसके पास आपके पैसे चले जाते हैं तो आपको पास कर देगा। हालांकि एक बात, अब मेन बात, लास्ट पॉइंट मेरा सुन लीजिए, जैसे कि मान लीजिए 33+ आने चाहिए आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में, और आपने पैसे लगा दिए हैं और आपके मार्क आ रहे हैं 28+, आपके मार्क आ रहे हैं 20+, तो एग्जामिनर आपको 33+ कर देगा। क्या कर देगा? 33+ कर सकता है। परंतु अगर मान लीजिए आपका पेपर है 100 नंबर का और उस पर आप ले आए 80 या 75+, तो फिर 70+, तो फिर एग्जामिनर उसमें 2 या 3 नंबर की इम्प्रूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है, 5 नंबर की कर सकता है, इससे ज़्यादा वह नहीं कर सकता है। क्योंकि मैं स्वयं मेरे यहाँ से बहुत सारे जो टीचर हैं वो कॉपियाँ चेक करते हैं, मैं अपनी ड्यूटी कॉपी चेक करने पे नहीं लगवाना चाहता, क्योंकि इस पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। मेरा जो मेन मुद्दा होता है वह होता है मैं मेरे फेमस होना, और मेरे शौक बस यही है कि मुझे सब कोई जाने, सब कुछ सारा मैटर मेरा यही रहता है, और बाकी की मैं
नेक्स्ट ईयर सबसे बताऊंगा, सबसे मिलाऊंगा कि कौन कौन इस कोचिंग से टॉप करता है। तो मेन बात आपको ने समझ ली होगी कि अगर नंबर मेन कुल मिला के मेन रीज़न यही है कि नंबर मिल भी सकते हैं, नंबर नहीं भी मिल सकते। अब नंबर क्यों नहीं मिल सकते, हो सकता है एग्जामिनर के पास पैसे ही ना जाएँ तो वो कुछ जान ही नहीं पाएगा कि आपने कॉपी पर पैसे लगाए थे। दूसरी बात, टीचर निकाल सकता है। तीसरी बात, एग्जामिनर के हाथ में पहुँचने के बाद भी नहीं दे सकता हो, क्योंकि एग्जामिनर मूड पता नहीं एग्जामिनर कैसा। लेकिन 100 में से मेन कंडीशन यही आती है कि अगर आप फेल होने की कगार में आपके 5 नंबर या 10 नंबर से आपका फेल होना रुक रहा है, फेल हो रहे हैं, और वो पैसे पास आता है तो आपको पास कर देता है। ये तो मैंने देखा है और ये मैंने सुना भी है, और ये जो जो करते हैं उनसे भी मैंने सुना है। और मैं दूसरी बात बता दूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपके लिए ये वीडियो बना है। अगर आपके लिए ऐसा लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा तो आप पैसे लगाएं, बट जैसे कि पैसे बिल्कुल लगाएं। अगर आपको लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, अब साल भर कुछ नहीं पढ़ा आपने, तो पैसे तो लगाएं आप, लेकिन यहाँ पर कॉपी के साइड में ज़्यादा दूर ना रखें, पैसे को दोगुना करके ऐसे और इधर रख के पंच मार दें। क्या करते हैं, पंच मार दें, पंच लगा दें, बेहिचक पंच लगा दें उसमें, चारों तरफ से एग्जामिनर अच्छे से निकाल लेगा और वो खुश भी हो जाएगा, आपको पास कर देगा, हालांकि आपका 80% नहीं बनाएगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये मेरी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो यार या बुरी लगी हो, लेकिन जो मेरे पास था और जो मैंने एक्सपीरियंस लिया और जो मैंने कॉपी चेक करने वालों से बात भी करी, सारा कुछ किया, एग्जामिनरों से बात करी, तो वो मैटर मैंने आपके साथ शेयर किया। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को और भी शेयर कर देना कि और कोई फेल हो रहा हो ना तो वो भी पास हो जाए।